यस बेटे, बी रेडी विद द फेयर नोटबुक। असाइनमेंट सब तो पहला करनी है। जफरनामा इकांगी, काव्य रचना तू मेरा पिता तू है मेरा माता, ते गग्गा भाग मुहावरे। ये अकॉर्डिंगली तुहानू गूगल फॉर्म विच कमिंग वीक विच ट्यूजडे जिहड़ा तुहाडा टेस्ट डे है उदों टेस्ट आएगा गूगल फॉर्म विच। तुसी करेक्ट ऑप्शन नू टिक करना है और 20-25 मिनट तुहाडा जिहड़ा लिंक है वह क्लोज हो जाना। उन्ने च तुसी अपने 10 क्वेश्चंस करने हैं, रिस्पांस देने हैं। ठीक है, स्टार्ट करिए। आज अपन पहला असाइनमेंट नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझो। फर्स्ट क्वेश्चन है जफरनामा इकांगी। मैं 5-6 क्वेश्चंस तुहानू इस फॉर्म च करवावांगी, तुहानू क्लियर हो जाए कि किस फॉर्म विच आना है। वैसे तुहानू ऑलरेडी क्लियर ही है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का तुसी टेस्ट दिंदे हो गूगल फॉर्म विच। ठीक है बच्चे, यस बेटे। जफरनामा इकांगी किसका लिखा है? तुहानू करेक्ट ऑप्शन पता होनी चाहिए है। फोर ऑप्शंस आन गया। फोर ऑप्शंस, नंबर वन उड़ा भाग है ईश्वर चंद्र नंदा, एड़ा भाग प्रिंसिपल तेजा सिंह, ईडी भाग डॉक्टर हरचरण सिंह, ससा पाक संत सिंह सिखो। यस, करेक्ट आंसर बोलो। करेक्ट आंसर कौन बोलेगा बच्चे? रेज योर हैंड्स। डॉक्टर हरचरण सिंह। डॉक्टर डॉक्टर हरचरण। हरचरण सिंह। ठीक है, इन्हू तुसी ऑलरेडी टिक किया होगा तुहाडे अगे। तुसी जे गलत लिखोगे तो तुहाडा वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तुहानू अपने आप पता लग जाएगा कि तुहाडे किन्ने जो व्यू स्कोर देखोगे तुसी। ठीक है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन नोट करो। सेकंड क्वेश्चन, औरंगजेब की आखिरी उम्र का सहारा कौन सी? औरंगजेब की आखिरी उम्र का सहारा, तुहानू माइंड विच पता होना चाहिए कौन सी। उड़ा ऑप्शन जीनत उन्निसा, एड़ा अस्त खान, इडी बेगम उदयपुरी, सस्सा काम बख्श। यस बेटे, आंसर की आंसर हुआ जिंदा है तुमने जीनत। हां जी बच्चे बोलो। 19 साहब। जीनत उन्निसा जो कि उसकी प्यारी बेटी, लाडली बेटी, जिसने के हमेशा अपने पिता दे नाल रही है दुख सुख वेले और पिता दा सहारा बनी है आखरी उम्र विच। इस तरह तुसी कर लोगे बेटे क्वेश्चन दे आंसर। यस बेटे, चलो यस मैम। मैं इस तरह ही तुहानू रिवाइज करवा देनी हां। सारे 1 आंसर करेक्ट बोलो, जिहड़ी ऑप्शन करेक्ट होएगी तुसी ओनू टिक करना है। क्वेश्चन नोट करो। डॉक्टर हरचरण सिंह का जन्म कदों होया? हुण लेखक के बारे भी क्वेश्चन आने जरूरी ने। डॉक्टर हरचरण सिंह का जन्म कदों होया? ऑप्शन इज 10/9/1914। यह मैं ऑप्शन लिख रही हूँ, 10/9/1914। सेकंड ऑप्शन 10/10/1914। तुसी लेखक के बारे रीड करना है 10/11/1914। सन ईयर जड़ा है वो सेम है 10/12/1914। यस, करेक्ट ऑप्शन इज 10/10/1914। 10। 10/10/1914। यस, 10/12/1914 लास्ट ऑप्शन जड़ी है करेक्ट है। अगला है, डॉक्टर हरचरण सिंह नु किस रचना लई साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला?
फ्रंट पेज जिहड़ा एकांगी दा ना उहनूं रीड करना जरूरी है। पुस्तकां दे नाम ने केड़ी रचना है, पुन्निया दा चन, रत्ता सालू, कल अज ते भलक, शोभा शक्ति। हां जी जे तुसी फ्रंट पेज ते रीडिंग पढ़ो। मैं एक बारी क्वेश्चन रीड कर दो बेटे। डॉक्टर चरण सिंह दी केड़ी रचना नूं साहित्य पुरस्कार मिलिया? साहित्य पुरस्कार, क्योंकि लेखक दे बारे भी नॉलेज होनी जरूरी है। जिवें आपां तू मेरा पिता तू है मेरा माता रचना पढ़ी, गुरु अर्जन देव जी के बारे पढ़िया। इहदे विच ऑप्शन ने बटे, पुन्निया दा चन, रत्ता सालू, कल अज ते भलक, शोभा शक्ति। जिहड़ियां रचनावां दे नाम आए ने जदों लेखक बारे पढ़िया, केड़ी रचना नूं पुरस्कार मिलिया बेटे? यस बेटे, साहित्य रचना का पुरस्कार। चलो जे नहीं दस पाए एक बारी लेखक दे बारे चंगी तरह रीड कर लेना। केड़ी रचना सी? कल अज ते भलक। नोट कर लो, कल अज ते भलक रचना नूं साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जफरनामा एकांगी विचले पात्र का नाम दसो। विचले पात्र का नाम, एकांगी विचले पात्र का नाम। फर्स्ट इज कामबख्श, एड़ा पाक अकबर, इड़ी पाक आवाज, ससा पाक अस्त खान। यस आवाज। नो बेटे, जिहड़ा जिंदा जागदा पात्र है जिहदी वार्तालाप होई है, आवाज तो उन्हें परेशान कर रही है। काम बख्श तो आया ही नहीं बेटे, ओदा तो नाम आया अस्त खान ओदा अहलकार, ओदा भरोसे योग अहलकार जिदे नाल उन्हें विचार कीती है, उन्हें बुलाया अपने दिल की गल सांझी करन लई। उन्हें कहा एकांगी विचला पात्र। जीनत उन्निसा जे हुंदा विच उपजदे तां जीनत उन्निसा नूं तुसीं करना सी। जे बेगम उदयपुरी हुंदी उह वी कर सकदे सी, क्योंकि बेगम उदयपुरी भी आई है। यही तो तीन पात्र आए ने बेटे। ठीक है बच्चे, ध्यान नाल सोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी की है? जो एकांगी ने आधार ते दसना जिंदगी की है। उड़ा भाग रंग तमाशा, ऐड़ा भाग मोह माया, इड़ी भाग मुसाफर खाना, ससा भाग सुखा का साधन। रंग तमाशा। देखो जिंदगी एक दुनिया एक मुसाफर खाना है, दुनिया मुसाफर खाना। इतने जिंदगी की गल की है, यह जिंदगी की है रंग तमाशा है, क्योंकि संसार रंग तमाशा है। पर एकांगी के अकॉर्डिंग आप आंसर देना रंग तमाशा। वैसे तो मुसाफर खाना भी है संसार, यह तो सुखा का साधन भी है, यह मोह माया भी है संसार, पर एकांगी च की किया गया रंग तमाशा। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज मेरी रूह रो रही है, ये शब्द किसने कहे? अस्त खान ने, बेगम उदयपुरी ने, जिन्नत उन्निसा ने, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। देखो चार पत्र ही लाइव आए ने जिन्हों की आपस में गलबात हुई है। ठीक है ना बेटे, कि रूह रो रही है औरंगजेब की। जब उन्होंने रियालिटी पता लगी, कि रियालिटी वजीर खान की, कि उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार नाल बहुत धोखा किया। क्लीयर है बच्चे। नेक्स्ट, बेगम उदयपुरी औरंगजेब की किन्नवी पत्नी सी? तीसरी, दूसरी, चौथी, पंजवी। यस तीसरी पत्नी सी। क्लीयर है बेटे। ये इस तरह के ही जफरनामा एकांगी तुसीं थोरली रीड करोगे, इस तरह के तुसीं क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ने, पर तुहानूं करैक्ट आंसर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गुरु नानक देव जी का समकाली बादशाह कौन सी? बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। यस बेटे, बाबर। ते जे आ जाए गुरु गोबिंद सिंह जी दे समय, केड़ा बादशाह सी? औरंगजेब। वेरी गुड। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस करके तुहानूं थोरली एकांगी रीड करना पैना है। हुण आपां गल करिए काव्य रचना जिहड़ी कीती आपां मंडे ट्यूजडे कीती सी, काव्य रचना तू मेरा पिता तू है मेरा माता। हुण इहदे अकॉर्डिंग थोड़े जिहे क्वेश्चन कर लईए, गुरु अर्जन देव जी की शाहकार रचना केड़ी है? सुखमनी साहिब। Yes, सुखमनी साहिब। ऑप्शन आ सकती है जपजी साहिब, रहराज साहिब, जाप साहिब, सुखमनी साहिब।
गुरु अर्जन देव जी दी दी शाहकार रचना केड़ी ऑप्शन दोगे सुखमनी साहिब ठीक है करेक्ट किनू करोगे सुखमनी साहिब जाप साहिब भी हो सकता है जाप साहिब की है गुरु नानक देव जी दी सॉरी गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखी हुई है जपजी साहिब गुरु नानक देव जी दी है जपजी साहिब शाहकार रचना केड़ी है बारह माह वैसे गुरु अर्जन देव जी ने लिखिया जिवें कल संगरांद सी सावन महीने की तो आप वाक लैने गुरु ग्रंथ साहिब विचों तो बारह माह विच है बारह माह मीनस बारह महीनिया दा जिक्र पर शाहकार रचना मीनस अमीर बाणी केड़ी है सुखमनी साहिब अगला क्वेश्चन गुरु अर्जन देव जी के दे पिता का नाम यस गुरु अर्जन देव जी के दे पिता का नाम हूँ ऑप्शन च आना गूगल फॉर्म ठीक है उसके विच तुसी किवें देना है गुरु अर्जन देव जी के दे पिता का नाम ना दसो तुसी करेक्ट ऑप्शन नो चूज करना है फर्स्ट ऑप्शन इज गुरु अमरदास जी सेकेंड इज गुरु रामदास जी थर्ड वन इज गुरु हरगोबिंद जी ससा पाक ऑप्शन बाबा गुरु रामदास जी हां जी केड़ी करेक्ट ऑप्शन होएगी बेटे गुरु रामदास ठीक है बच्चे डन हुन एदे नाल रिलेटेड तुसी काव्य रचना रे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हां फॉर एग्जांपल काड़ा शब्द दा की अर्थ है काड़ा शब्द अर्थ है कर जा चिंता इना विचों कोई एक वर्ड सुख साधन काड़ा शब्द अर्थ है डर ठीक है काड़ा शब्द अर्थ है धमकी की दोगे चिंता जे फिकर आए तो फिकर ठीक है बच्चे इसे तरह क्वेश्चन है जीव जंतु किससे सिरजे हुए हैं मनुख दे सिरजे हुए गुरु जी दे सिरजे हुए हैं परमात्मा दे संसार दे सिरजे हुए हैं कि परमात्मा दे ठीक है बच्चे डन हुन क्लियर है हुन आपा करिए गग्गा भाग मुहावरे किन्ने मुहावरे किते ओदे च मैं एक दो बोल दियां अगो आपा कंटिन्यू करदे हां मुहावरे फिर आपा एक काव टुकड़ी असाइनमेंट करनी है ओ जिवें सीबीएसई वालों आया है कि जड़ा फर्स्ट टर्म दा पेपर है एमसीक्यू टाइप आना है 90 मार्क्स हुन लैंग्वेजेस विच ता 90 मार्क्स दा पेपर करना मुश्किल हो जाएगा ना देखो राइटिंग स्किल है ओदे विच तस्वीर वर्णन है दैन काव टुकड़ी है अनडिठे वो रीडिंग स्किल चाहता है अनडिठी काव टुकड़ी ते वार्तक पैरा वो तो ऑप्शन च आ सकता है ठीक है ऑप्शन च भी आ सकता है सब्जेक्टिव च है वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा जो पैटर्न है सीबीएसई का जो लेटेस्ट आया वो तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं सब्जेक्टिव पर जिवें हुण कहा गया दोबारा लेटेस्ट जो सर्कूलर आया वो है कि एमसीक्यूज आने इस करके रीडिंग स्किल लिटरेचर ये थोड़ा एमसीक्यू बन जाएगा हाँ राइटिंग स्किल दे विच तुसी नहीं कर सकते राइटिंग स्किल दे बेस ते जे जनरल क्वेश्चन बन सकते हैं जिवें तुकां दे आधार ते लेख है उहदे चों पुछा जा सकता है कि तुक किस दी है जिवें फॉर एग्जाम्पल मन जीते जगजीत मिठे नीवी नानका गुंचियां या तत ठीक है उहदे विच तुकां दे रचनहार दसणगे तुहानूं आनी चाहीदी इस तरह मन के आ सकते हैं जे 90 मार्क्स का पेपर अजिहा आना है ठीक है ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਟਰਨ ਔਨ ਯੂਰ ਵੀਡੀਓ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟਰਨ ਔਨ ਯੂਰ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਲੇਖ ਬਤਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਆਣੇ ਲੇਖ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 9th ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਿੱਠਰ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਤਤ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਗਜੀ ਵੇਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਵਾਦੜੀਆਂ ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਨਿਭਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੁਖਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਮਸੀਕਿਊ ਟਾਈਪ ਆਣੇ ਆ ਜਾਂ
ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆਣੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਣੇ ਹਨ ਫਸਟ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਫਸਟ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਧਗਦ ਹੋਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੁਕਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਟੁਕਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣਾ ਗੰਢ ਵੱਜਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੁਹਾਵਰਾ ਭਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਬਲੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਰੀਨਾ ਪਰੀਨਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣਾ ਯੈਸ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਸੀ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲਿਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਡੈਸ਼ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਪਿਆ ਗੱਲ ਪਿਆ ਗੱਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਯੈਸ ਗੱਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਨੀ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਰਥ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਟੁਕਣਾ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣਾ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਬਿਸਮ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਬਿਸਮ ਮੈਮ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਜ਼ ਬੇਟੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਟੁਕਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਟੁਕਣਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣਾ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੈਕਸਟ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਗਲਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਗੱਲ ਗਲਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜਨੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਸਕਸ਼ਮ ਗੱਲ ਗਲਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜਨੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਵ ਟੁਕੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੇਜ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ ਫਸਟ ਪੇਜ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਗਦ ਗਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪੈਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਹੇੜ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚਿਆ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੰਢ ਵੱਜਣਾ ਗੰਢ ਵੱਜਣਾ ਗੰਢ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗੰਢ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੰਢ ਵੱਜਣਾ ਮੀਨਸ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਗੱਗਾ ਭਾਕ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੇਟੇ ਗੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਗੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੀ ਆ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਗੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਗੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਗੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਸਭ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੰਢ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੰਢ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ
अपने वल करना। गंढ लेना अपने वल करना। अजकल तो तुसी देखो जिन्हें कोई ताकत वाले ने पैसे वाले ने हर एक नू गल्लां बातां विच अपना उल्लू सीधा करन लई गंढ लैंदे ने। अजकल दे मंत्री देख लो, अजकल दियां सरकारां देख लो, ठीक है, अपना मतलब वाल करना है तो झूठे लारे ला के लोगों नू गरीब मासूम लोगों नू गंढ लैंदे ने, अपने वाल कर लैंदे ने। गल ठंडी पै जानी। गल आई। यस बेटे, गल ठंडी पै जानी। अर्थ दसो, गल नू भुला देना। जदों गल ठंडी पै जाए तो दोबारा रस्ता है। उन्हां दोनों भरावां दी जमीन की गल ठंडी पै गई थी, पर चाचे ने आके दोबारा छेड़ दिती। मैं तुहानूं पहलां भी कहा, जिहड़े वाक बनाने हन सिंपल बनाने ने, आम जिंदगी चो, घरेलू जिंदगी चो, समाजिक जीवन चो, अपने आले दुआले विच जो वापर रहा उन्हूं ध्यान च रख के सिंपल लैंग्वेज छोटे छोटे वाक बनाने हैं, मीनिंगफुल। ठीक है बच्चे, गल ठंडी पै जानी, गल भुला देनी। जो गल ठंडी पै जाए ना लड़ाई झगड़े की, तो दोबारा छेड़नी मूर्खता है। इदा सिंपल जहा वाक बना लो। नैक्सट, गिदड़ों शेर बना। गिदड़ों, ये तो तुम सब पता है किन्ने गिदड़ों शेर बनाया सी। गिदड़ों शेर बनाना कमजोर बहादुर बनाना, बहादुर बनाना। साढ़े गुरु साहबान ने, गुरु नानक देव जी ने भी गिदड़ों शेर बनाया। जिहड़ी बेचारी सां सत हुई जनता सी, जदों गुरु नानक देव जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट कुंजक चानण होया, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुके मेरी गावली भन्नी जाए ना तीर तरोआ। सिंह बुके मीन शेरां दी गल सुन के जेडे बेचारे कमजोर निताने लोग सन, तीर तरोआ उन्हां दे अंदर दोबारा ताकत भरी। इसे तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने खंडे बाटे का अमृत छका के डरी हुई सहमी हुई जनता नूं, भोले भाले लोगों नूं गिदड़ों शेर बनाया, कमजोर तो ताकतवर, ताकतवर बनाना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट मुहावरा। अज वाइज कर लोगे ना तो तुसीं इजीली टेस्ट दे सकते हो। नेक्स्ट है बेटे, गल पै जाना, झगड़ा करना। झगड़ा करना, अपने गुआंढियों नूं असीं प्यार नाल भी गल समझाइए तो छोटी जी गल ते ही गल पै जांदे ने। मैं उहनूं उहदी नसीहत दे रहा सी कि तू ये गलत रस्ते ते चल रहा, तो मेरे गल ही पै गया। मैं उहदे भरा दी उहनूं शिकायत लाई, उह मेरे गल ही पै गया कि तू झूठ बोल रहा है। ठीक है, गल पै जाना, झगड़ा करन पै जाना। मैं उहनूं प्यार नाल समझाया कि कूड़ा करकट बाहर ना सुट्टो, पर उह तो मेरे गल ही पै गया। नैक्सट, गर्म होना। गर्म होना, गुस्से पे चाना, गुस्से होना। आजकल इतने परेशान ने ना कि हर एक का स्वभाव बड़ा ही गर्म हो गया। महंगाई इतनी लक तोड़ मारिया लोगों का, प्यार नाल भी गल करो तो वह गर्म होके बोलता है। अगों सब का स्वभाव गर्म हो गया। अजकल के बच्चों का स्वभाव बहुत गर्म है, छेती कि गल मनते ही नहीं हैं। नैक्सट, गिले गोहे वांग तुखना। अंदरों ही अंदर दुखी होना रहना। जदों कोई अपना किसे नू नुकसान देवे, जदों कोई अपना किसे दे बारे माड़ा सोचे, ता इंसान है जिहड़ा गिले गोहे वांग तुखदा है। गिले गोहे वांग तुखना, जिवें हुण पेरेंट्स है, माता पिता है, जेकर बच्चे उहनां दे नाल माड़ी करन तां विचारे पेरेंट्स किन्नू दसन, लोगों नूं तां नहीं दस सकते, अपनी बेइज्जती होनी है। अंदरों अंदरी गिले गोहे वांग तुकदे है कौन, पेरेंट्स बुजुर्ग जिन्हां दे बच्चे उन्हां दी बेकदरी करदे हन। गिले गोहे वांग तुकना, अंदरों अंदरी दुखी होना, अंदरों अंदरी दुखी होना। जदों कोई अपना होके नुकसान पहुंचाए तां इंसान है जिहड़ा गिले गोहे वांग तुकदा रहिंदा है। गुलछरे उड़ाना, ऐश इशरत करनी, फजूल खर्ची करनी। गुलछरे उड़ाना, फजूल खर्ची। अजकल दे बच्चे है जिवें गुलछरे उड़ाना। सरपंच दा मुंडा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता, सारा दिन
पिंड दे मुंडिया नाल गुलछरे उड़ाउंदा फिरदा है, अपने माता पिता दे सिर ते अपने समय की भी बर्बादी कर रहे हैं। जिहड़े बच्चे गुलछरे उड़ाउंदे फिरदे ने समय की भी बर्बादी करदे ने, भविख भी खराब करदे ने ते पैसा भी बर्बाद करदे हन। गंढ तुप करनी, आपस विच गुप्त सलाह करनी, गुप्त सलाह करनी। जिहड़ियां अजकल दियां पार्टियां ने, विरोधी धिरां ने आपस विच गंढ तुप कर रही हैं कि आउण वाले समय च किहड़ी सरकार बनेगी, किहड़ी सरकार बनाउणी है। उन्हां दोनों दोस्तां ने गंढ तुप कीती कि आपां अज स्कूल नहीं जाणा। क्लीयर है बेटा? आपस विच गुप्त सलाह करनी। अगे गुड्डी चढ़नी है, तुहानूं पता ही है, प्रसिद्धि होनी, पैसे वालियां दी गुड्डी चढ़दी है, जां अजकल उन्हां दे व्यापार दी गुड्डी चढ़ी हुई है। नैक्सट वन इज गलों गलावां लाउणा, गलों गलावां लाउणा। लापरवाही नाल काम करना, जिहड़ा काम अपने पिया होया ना उहनूं जिम्मेवारी नाल ना करना, बस कर दिता, गलों गलावां लाउणा। हुण बहुत सारे बच्चों ने होलीडेज होमवर्क इस तरह किया कि गलों गलावां ही लाया, लापरवाही नाल काम किया। सैटिस्फैक्शन वाला काम तो बहुत थोड़े बच्चों का है। क्लीयर है बच्चे? कई बार किसी कोई काम दे दें ना, वो कहना हूँ इन्हें मैं काम तो दे दिता है, हूँ गलों गलावा तो लाना है, हूँ थोड़ा जहा काम करके कहता कि मैं तेरा बाकी काम अगले महीने कर देवगा। पैसे मंगने की गल की, उन्हें थोड़े जे पैसे दे के गलों गलावा ला दे। गल गलावा पैना मुसीबत से हेड़नी। अज के समय च किसी की मदद करी करनी तो गल गलावा पैन वाली गल है, कि कोई पिछे ही नहीं फिर छड़ता कि यही मेरी मदद कर सकता है। अजकल जमाना इदा का आ गया, कोई किसी की अपना समझ के मदद नहीं कर सकता, गल गलावा ही पै जाता है। नैक्सट गोद हरी होना, गोद हरी होना, ये तो क्लीयर ही है। गोद हरी होना मीनस संतान होना, संतान होना, घर परिवार विच वाधा होना। बड़े 10 साल बाद उन्हां दियां अरदासां वाहिगुरु ने सुनिया ते उन्हां दी गोद हरी हुई है। गत बनाउणा, खूब कुटणा, चोर पकड़े गए पुलिस ने चंगी गत बनाई। नैक्सट गल नाल लाउणा, प्यार करना, अपना बनाउणा, हमदर्दी करनी। जिहड़े बच्चे सियाणे हुंदे ने उन्हां नूं हर कोई गल नाल लाउंदा, उस बच्चे दे माता पिता करोना महामारी विच करोना की लपेट चढ़ गए तो उसके चाचा जी ने उन्होंने गल ना ला लिया, हमदर्दी की, सहारा दिता। ठीक है, अजिहा भी हो सकता है, दो मीनिंग निकले, प्यार करना है, सहारा देना है, हमदर्दी करनी है। गिद्दड़ कुट करनी, सेम गत बनाने, दोनों मुहावरिया का मीनिंग सेम है। हम याद करो, गिद्दड़ कुट करनी, गत बनाने, खूब मारना, बहुत मारना। पिंड वालिया ने चोरां नूं फड़ लिया, काबू कर लिया, तो गिद्दड़ कुट कीती सारे ने रल के। गरीब मार करनी, गरीब ते जुलम करनी, जिहड़े साडे भ्रिष्ट नेता ने तो गरीब मार कर रहे ने, अपना लोगों का हक खो रहे ने ते अपनी जेबां भर रहे ने। जिहड़ा मर्जी विभाग देख लो, गरीब मार ही हो रही है, गरीब की कोई पुछ नहीं है। गल टुकना, विचों बोल पैना। सियाने बच्चे समझदार लोग जिहड़े वड्डियां दी गल विच वड्डियां दी गल नूं नहीं विच विचाले नहीं टुकदे, उसने अपने पिता ते चाचा जी दे विचकार गल करके अजिही गल टुक कीती कि उसी हर पासे बेइज्जती हुई है। जब दो सियाने गल कर रहे होण तां गल टुकनी नहीं चाहीदी। ठीक है, विचों नहीं बोलना चाहीदा, गिन गिन के बदले लेना। जड़ा कोई किसे दा बुरा करता है, परमात्मा भी उन्हें तो गिन गिन के बदले रहा है। उसके भरा ने राम सिंह के भरा ने अपने चाचा जी नाल बुरा किया, बच्चों ने भी उन्हें तो गिन गिन के बदले ले। तुसी मूवीज देखते हो, सीरियल देखते हो, जो कोई किसी ना बुरी करता है, तेरे घर के जीवन में दुख पहुंचाता है, किसी को हर्ट करने वाले शब्द कहता है, कहते ना तलवार का फट चला जाता, जुबान का फट नहीं जाता, तो जरा दूसरी तेरा वह गिन गिन के बदले लेंदी है। लास्ट वन इज गोंदा गुंदना, ऑलरेडी कर चुके हैं। साजिश रचनी, साजिश करनी, गोंदा गुंदनिया, गंढ तुप करनी भी सेम है, गंढ तुप करनी ते गोंदा गुंदनिया सेम है। साजिश करनी, व्योंत बनानी, तरकीब सोचनी। क्लीयर है बच्चे?
डन। ये तुसी हुण सारे मुहावरे रिवाइज करने हन, जफरनामा इकांगी नूं चंगी तरह पढ़ना है और काव रचना। और तुसी हॉलीडेज होमवर्क तो सब बच्चे ने सेंड कर दिता, सिर्फ चार पांच बच्चे डिफॉल्ट रह गए, वो देख लो हुण तुहाडा इंटरनल असैसमेंट का पार्ट है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट गल है कि जिहड़ा होमवर्क हो गया ना, तुहाडी होमवर्क असाइनमेंट चैक करवाण वाली है। हुण तुसी टू डेज दे विच होमवर्क असाइनमेंट भेजनी है, जिहदे विच जफरनामा इकांगी है, काव रचना है, तो गग्गा भाग मुहावरिया के अर्थ लिखने हैं, जां सिंपल वाक बनाओ अर्थ ना लिखो। ठीक है बच्चे, ओके मैम। हुण अपना टेस्ट प्रिपेयर कर लेना, ट्यूजडे नूं तुहाडा टेस्ट है, गूगल फॉर्म च आना है। ठीक है बच्चे, एनी डाउट, किसी नूं कोई डाउट हो तां डाउट क्लीयर कर सकते हो बच्चे। यस बच्चे, किसी नूं कोई डाउट है रिगार्डिंग क्लास टेस्ट, रिगार्डिंग जफरनामा इकांगी, काव रचना? यस बच्चे, नो डाउट बच्चे। अज अटेंडेंस बेटे कम हुई है, चलो एनी हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।